हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक टॉप 10 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने संधारित्र के बारे में जान लिए थे, संधारित्र की धारिता के बारे में जान लिए थे, कैपेसिटर का सिद्धांत जान लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लिए थे। आज की हेडिंग है आप लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन, कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, संधारित्रों को संयोजन करने के तरीके क्या होते हैं। तो आइए, आप लोगों का टाइम न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका सबसे पहला जो टॉपिक बताया गया है संधारित्रों का संयोजन, आज की हेडिंग लगाई गई है कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, संयोजन का मतलब होता है जोड़। अब संधारित यानी धारिता कम करने के लिए, किसी भी परिपथ में किसी भी संधारित्र की धारिता कम करने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणीक्रम संयोजन, एक क्या होता है, समांतरक्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों लिख लेते हैं, संधारित्रों का संयोजन पहला कौन सा आता है, श्रेणीक्रम संयोजन। कौन सा आता है प्यारे बच्चों, श्रेणीक्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन। और दूसरा क्या आता है, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। प्यारे बच्चों, दो विधियां हैं संधारित्रों को जोड़ने की। तो सबसे पहली विधि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि श्रेणी क्रम संयोजन तब किया जाता है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब धारिता हमको क्या कम प्राप्त करनी हो, जब संधारित्रों की तुल्य धारिता हमको कम प्राप्त करनी रहती है, तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख सकते हैं, कम धारिता प्राप्त करने के लिए। कौन सा भैया, कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी को किस क्रम में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो हम टॉपिक बना लेते हैं, या हेडिंग है आप लोगों की प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या होता है श्रेणी क्रम। तो हम यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन संधारित्र ले लेते हैं, और चलिए तीनों संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तीनों संधारित्र ये देखिए, एक संधारित्र हम लोगों ने ले लिए, ये हो गए, ये इनके दो ठो इनमें से तार के सिरे निकाल दिए आप लोगों ने। एक पर मान लिया प्लस क्यू आवेश है, एक पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। और इसी प्रकार एक दूसरा ले लेते हैं, एक दूसरा क्या ले लेते हैं, कि एक दूसरा संधारित्र इस प्रकार ले लेते हैं, इस पर भी एक क्या मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या ले लिए, माइनस क्यू आवेश। इसी प्रकार क्या हो गया, एक कोई तीसरा आप संधारित्र ले लीजिए, कौन सा ले लीजिए भी, तीसरा संधारित्र, ठीक। और एक इस पर भी, एक पे क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया, इस पर भी क्या हो गया, माइनस क्यू हो गए। तो इस पर आप प्लस आवेश दिखा सकते हो, और इस पर क्या दिखा सकते हैं आप, माइनस आवेश है। इसी प्रकार इस पर प्लस, इस पर प्लस, और इस पर माइनस, इस पर माइनस। इसी प्रकार ये प्लस, ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, कि पहले मान लेते हैं इस बिंदु का क्या नाम था, ए था, और इस बिंदु का नाम बी, इसका सी, और इसका क्या हो गया, डी। इसको हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से समर्पित कर देते हैं, यानी पृथ्वी से समर्पित नहीं बच्चों, संपर्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वी से संपर्क करा देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और इसको हम लोग किसी एक वायर से जोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो संयोजन होता है, वो कौन सा संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। आइए बच्चों, अभी हम आपको समझाते हैं कि जैसे हम मानते हैं ये संधारित्र का पहला प्लेट होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा, ये पहला, ये क्या हो गया, दूसरा, ये पहला, ये क्या, दूसरा। तो ध्यान से समझिएगा,
कि इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जुड़ा होता है। क्या बताया प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे वाले प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कौन सा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपकी जो हेडिंग है वो क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, हमने क्या बताया कि इस प्रकार के संयोजन में किसी भी संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है, किसी भी संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार के जो इस प्रकार के क्रम को अगर हम लोग आगे बढ़ाते रहें या इस प्रकार के जोड़ को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या एक और ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों इनके प्लेटों के बीच का जो विभव है, क्या मान लेते हैं इनके प्लेटों के बीच का विभव क्या मान लेते हैं? V1 मान लेते हैं। पहले प्लेट का विभव क्या हो गया? V1। इनके प्लेटों के बीच का विभव क्या मान लेते हैं? V2। और इनके प्लेटों के बीच का विभव क्या मान लेते हैं? V3। और परिणामी विभव यहाँ से लेके पूरा AC-D के बीच का जो विभव क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनका डिफिनीशन लिखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो लिख सकते हो कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों चलिए इसका हम लोग फार्मूला निकालते हैं या इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मानते हैं, माना A पर विभव, क्या करते हैं, माना A पर विभव, माना A पर विभव, तो मान लेते हैं A पर विभव कितना है? VA है। और B पर विभव क्या हो जाएगा बच्चों? B पर विभव मान लिए कितना है? VB है। और C पर विभव कितना हो जाएगा? C पर विभव कितना हो जाएगा? VC हो जाएगा। और D पर विभव क्या मान लिए? D पर विभव मान लिए VD मान लिए। क्या मान लिए? VD हो गए। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है A और B के बीच का विभवांतर यानी V1 निकालना है। क्या निकालना है? A और B के बीच का विभवांतर क्या है? V1 है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A व, क्यों? क्योंकि हमको V1, V2 और V3 के मान चाहिए ना। तो लिखेंगे A व B के बीच का विभवांतर, A व B के बीच का विभवांतर। तो A व B के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, ये किसके बराबर आया? V1 के बराबर आया। किसके बराबर आया? V1 के बराबर आया। तो यहीं आप लिख लीजिएगा V1 हो गया, ठीक। उसी के बाद अब क्या करते हैं, V और C के बीच विभवांतर, B व C के बीच का विभवांतर V2 है। क्या है? V2 है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? VB माइनस क्या हो जाएगा? VC। इसी प्रकार क्या लिखेंगे? C व D के बीच का विभवांतर V3 इक्वल टू VC माइनस, यहाँ B नहीं है बच्चों, D है। तो VC माइनस क्या हो जाएगा? VD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VC माइनस VD हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः कुल विभव, क्या लिखेंगे बच्चों? अतः कुल विभव, अतः कुल विभव। तो कुल विभव क्या है? कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? V3 के बराबर। अब बताओ V1 का मान कितना है बच्चों? कितना है? देखिए V1 का मान कितना है आपके पास? VA माइनस VB है। या हम कह सकते हैं अतः कुल विभव। अब क्या निकालेंगे आप देखिए, अतः कुल विभव क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। आप चाहे ये मान आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? V1 V2। ध्यान से समझिएगा, एक मिनट ज़रा सा आप समझिए। अतः कुल विभव, अतः कुल विभव, ये लाइन फिर से नोट कीजिएगा आप लोग, अतः कुल विभव, कुल विभव
V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुल विभव कौन कौन है? VA माइनस VB है, VA माइनस VB प्लस किसके बराबर है भैया? VB माइनस VC है प्लस किसके बराबर है? VC माइनस VD बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3। आप ध्यान से देखिए तो B से B, C से C कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचे? VA माइनस VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या आ गए? V3। अब VA माइनस VD यानी A और D के बीच का विभव आपने क्या माना है? V माना है। तो V1 प्लस क्या आ गए? V2 प्लस क्या आ गए? V3। समीकरण नंबर आप क्या बना लिए? एक बना लिए। ठीक, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया संधारित्र पर आवेश क्या होता है? संधारित्र पर आवेश, तो संधारित्र पर आवेश आपने पढ़ा है आवेश की मात्रा Q बराबर आपने पढ़ा C × V। Q बराबर क्या होता है? C × V। अगर हम यहाँ से V का मान ज्ञात करना चाहे तो क्या हो जाएगा? CV इधर आ गए बराबर क्या हो गए? Q। तो V का मान क्या हो जाएगा? C इधर चले जाएंगे बच्चों, C का ट्रांसफर होगा तो Q बटे क्या आ गए? C आ गए। तो इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों? इसी प्रकार हम लोग किसका निकालेंगे? V1 का। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों? इसी प्रकार V1 हो जाएगा। V1 क्या होगा? V1 किन के बीच का विभव है? पहले प्लेट A और B के बीच का। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे यहाँ संधारित की धारिता क्या है? C1 है, और यहाँ क्या है? C2 है, यहाँ क्या है? C3 है। तो क्या हो जाएगा? Q बटे C1। और V2 बराबर क्या आ जाएगा? Q बटे C2। और V3 बराबर क्या आ जाएंगे? Q बटे C3। V1 V2 और V3 का मान समीकरण एक में रखने पर V1 V2 व V3 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखा जाए तो समीकरण एक क्या है? ये है। तो V के स्थान पे Q बटे C, V1 के स्थान पे Q बटे C1, V2 के स्थान पे Q बटे C2, इसके स्थान पे Q बटे C3। तो क्या हम Q बटे C लिखे रहे हैं? यहाँ से Q कॉमन है तो 1 बटे C1 क्या आ जाएंगे? 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। अब देखिए क्यू से क्यू क्या हो गया? कैंसिल। 1 बटे C बराबर 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे क्या हो गया? C3। तो अतः किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो तुल्य धारिता होता है वो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 होता है। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब हम लोग चलते हैं दूसरा विधि, समांतर क्रम संयोजन। 1 2 3 चले तो मिटाते हैं इनको। तो जो आप अगली विधि चल रहे हैं सीखने, समांतर क्रम संयोजन, आप जानते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में धारिता जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। तो आइए, इस बार भी हम लोगों ने कितने संधारित्र लेके रखे हैं? 3 संधारित्र लेके रखे हैं। एक पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। और एक पर क्या है? माइनस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा? एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे क्या है? माइनस क्यू आवेश है। या तो आप ऐसा कीजिए कि इनको क्या मान लेते हैं, इस पे क्या है? इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे क्या है? माइनस क्यू आवेश है। इस पे प्लस दिखा दीजिएगा और इस पे क्या दिखा देंगे? माइनस। थोड़ा सा प्लेट को हम लोग दूरी बना के रखते हैं तो ये हो गए, इस पे माइनस हो गए। ठीक प्यारे बच्चों, अब एक नहीं, दो नहीं, 3 संधारित्र लेना है। एक पे फिर से आप लगा दोगे, ये कोई प्लस प्लेट हो जाएंगे, ये कोई क्या हो जाएंगे? माइनस प्लेट हो जाएंगे। प्लस और क्यू आवेश की मात्रा हो गई। ये कोई संधारित्र क्या है? C1 है। ये क्या है? C2 है। इसी प्रकार कोई आप कोई एक और ले लीजिए,
तीसरा ले लीजिएगा, ये हो गए, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, और क्या हो गए, माइनस माइनस सी थ्री हो गए। तो अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इसके तार के एक सिरे ये हो गए, इस तार के एक सिरे क्या हो गए, ये हो गए, और इस तार के एक सिरे ये हो गए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसका तार का एक सिरा आप ये ले लिए, दूसरा सिरा ये ले लिए, क्या ले लिए, ये ले लिए प्यारे बच्चों। अब इनको आप लोग एक परिपथ में बंद कर दीजिए, एक क्या लगा दीजिए, बैटरी का उपयोग कर दीजिए, एक क्या लगा दीजिए, की कुंजी का उपयोग कर दीजिए, और ये परिपथ को क्या कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए। अब आप देखिए इससे क्या होगा, एक आवेश निकलेगा, तो जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, तीन भागों में जब इस बिंदु पर पहुंचा, तो किरचाफ का नियम से, किरचाफ के नियम से किसी भी संधि से दूर जाने वाली जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, बट जाती है। तो पहले प्लेट पे गए या पहले संधारित्र पे गए तो यहाँ आवेश Q1 हो गए, दूसरे पे क्या गए भैया, दूसरे पे गए तो क्या हो गए भैया, बताइए जरा सा, Q2 हो गए, क्या हो गए प्यारे बच्चों, Q2 हो गए, और तीसरे पे गए तो क्या हो गए, Q3 हो गए। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि संधारित्र का जो संयोजन होता है, संधारित्र का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में जो संधारित्र का एक प्लेट होता है, संधारित्र के सभी प्लेट को, सभी या संधारित्र के प्रथम प्लेटों को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के सभी प्रथम प्लेटों को एक बिंदु से तथा सभी दूसरे प्लेटों को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। क्या बताया बच्चों हमने, कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के प्रथम सभी प्लेटों को, पहले वाले सभी प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरे वाले प्लेटों को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन में तुल्यधारिता अधिक प्राप्त होती है। बात समझ में आया बच्चों, एक बार और बताते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। क्या हमने बताया कि इस प्रकार के संयोजन में संधारित्रों के सभी प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेटों को किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग इसका विभव मान लेते हैं, इस पे भी विभव क्या है, V है, इस पे भी विभव क्या है, V है, यानी इस प्रकार के संयोजन में विभव क्या होता है, समान होता है। तो चलिए हम मानते हैं, माना पूरे जो ये आवेश है, या मानते हैं परिपथ पे कुल आवेश, या परिपथ में कुल आवेश Q जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही Q तीन भागों में बटे हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिपथ में कुल आवेश, क्या लिखेंगे, परिपथ में कुल आवेश, क्या, कुल आवेश। तो परिपथ में कुल आवेश क्या हो जाएंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3। समीकरण नंबर क्या हो गया, एक हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि संधारित्र पर आवेश क्या होता है, संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या पढ़ा है, Q बराबर C × V, Q बराबर क्या हो गया, C × V। तो इसी प्रकार पहले संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र पर आवेश, तो पहले संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, पहले संधारित्र पर आवेश क्या है, Q1 है, संधारित्र की धारिता क्या है, C1 है, और विभव क्या है, V है। और ये आ गए समीकरण नंबर कौन सा, दो, दूसरे संधारित्र पर आवेश निकालना हुआ, दूसरे संधारित्र पर आवेश, तो दूसरे संधारित्र पर आवेश कौन है बच्चों, Q2 है, क्या है, Q2 है, देखिए Q2 है, तो Q2 क्या हो जाएंगे, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता क्या है, C2 है, तो ये C2 हो गए इंटू क्या हो गए, V। समीकरण नंबर कौन हो गए, 3। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर, किस पे बच्चों, तीसरे संधारित्र पर आवेश निकालना हुआ, तो तीसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q3 बराबर C3 × V, क्योंकि इस पे संधारित्र क्या है, C3 है। समीकरण नंबर क्या आ गए, 4 आ गए। समीकरण 2, 3 और 4 से C1, C2, C का मान रखने पर, तो क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 2, 3 व 4 से C1, C2, C3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q के स्थान पे क्या रखोगे,
देखिए प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या है, C इंटू वी है, यहाँ क्या है C1 इंटू क्या है V है, और यहाँ क्या है C2 इंटू V, यहाँ क्या है C3 इंटू V। आप देखिए CV लिखे रहिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, सब में V कॉमन है प्यारे बच्चों, क्या बचा C1 C2 C3, कैसे बचे, आपको पता होगा बच्चे कि वी वी सब में कॉमन है तो वी को बाहर कर लोगे, ये वी वी से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो जो तुल्य धारिता बची वो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या आया C3। तो इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य धारिता C होती है वो C1 प्लस C2 और C3 के बराबर होती है। तो आप इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो बच्चों कि जो तुल्य धारिता C होती है वो जोड़े गए अलग अलग संधारित्रों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों ये आज की जो संधारित्र की श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन था वो समाप्त हो गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।